नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे गैस बर्नर्स के बारे में। जो गैस बर्नर होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वर्किंग का, और ये कैसे काम करता है। तो गैस बर्नर क्या है? जिसके अंदर हम किसी गैस को बर्न करते हैं। गैस, एक सुटेबल गैस लेंगे जिसको हम एयर के साथ मिक्स करेंगे, एयर के साथ उसको मिक्स करेंगे और फिर उसको बर्न करेंगे। तो बर्नर का मतलब क्या है कि कोई भी जो गैस है उसको अच्छी तरह से जलाना, बर्नर की हेल्प से हम वो करते हैं। तो गैस और एयर का मिक्सचर लिया जाता है और बर्नर तक पहुंचाया जाता है। तो बर्नर के अंदर जाके उसको इग्नाइट किया जाता है, जिससे कि वो जलने लगती है। तो उससे हीट पैदा होती है और उस हीट का हम यूज करते हैं फर्दर प्रोसेसेस के लिए। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है हम इसके अंदर देखेंगे और फिर इस फिगर को देखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगी, एक तरफ से आएगी एयर और एक तरफ से आएगी गैस। ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स होंगी और मिक्स होके वो अंदर जाएंगी फर्नेस के, और वहां पे उनको इग्नाइट किया जाएगा एक्सटर्नल सोर्स से। किसी से इग्नाइट करने के बाद, उनको स्पार्क देने के बाद, ये गैसेस फ्लेम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और हीट पैदा करती हैं, और उस हीट का यूज कर लिया जाता है। जैसे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो बॉयलर के ऊपर यूज कर लिया जाता है स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो गैस बर्नर है काफी एफिशिएंट बर्नर होते हैं, क्योंकि गैस और एयर की मिक्सिंग काफी आसानी से हो सकती है कि दोनों ही गैसियस स्टेट में होती हैं। और हम इस फ्लेम को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फर्नेस का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, पोल्यूशन नहीं होता। तो जो गैस बर्नर्स हैं ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं हीट को प्रोड्यूस करने में, और काफी ज्यादा इनकी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे पोल्यूशन नहीं होता, फ्लेम को हम कंट्रोल कर सकते हैं और फर्नेस के जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी सप्लाई को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये गैस बर्नर इस तरह से काम करता है। तो अलग अलग तरह के गैस बर्नर्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। जिस तरह से मान लीजिए अगर इस तरह का बर्नर हम यूज करें, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये शेप इस तरह की है। तो इससे क्या होगा, जब एयर और गैस एंटर करेगी तो क्या होगा, इसको एक लंबी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, और लंबी एक फ्लेम मिलेगी, लॉन्ग टाइम मिलेगी, हाई वेलोसिटी पे मिलेगी। लेकिन अगर हमारा क्या है, जो एयर है वो भी हाई प्रेशर पे है और जो हमारी गैस है वो भी हाई प्रेशर पे है, मतलब हाई प्रेशर हम दोनों यूज कर रहे हैं। ये उनके कंट्रोल वाल्व हैं जो हम यहाँ से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी सप्लाई को। तो जब ये दोनों आती हैं हाई प्रेशर के ऊपर, तो इसको देखिए इस तरह का पैसेज दिया गया है, ताकि जो इनकी वेलोसिटी है वो हायर वेलोसिटी से अंदर ना जाए, वो कुछ कम वेलोसिटी से अंदर जाए, प्रॉपरली मिक्स होके अंदर जाए। तो यहाँ से जब वो इस पैसेज से गुजरती हैं तो वो प्रॉपरली मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होने के बाद वो जाती हैं फर्नेस के पास, और फर्नेस के अंदर इनको इग्नाइट किया जाता है। इग्नाइट होने के बाद वो फ्लेम में कन्वर्ट होती हैं, जिससे हीट पैदा होती है, और हीट से हम उसका हीट का इसका यूज कर लेते हैं बॉयलर्स के ऊपर, ताकि हम स्टीम को प्रोड्यूस कर सकें। तो गैस बर्नर एक बहुत ही सिंपल तरह के बर्नर है। बस करना क्या है, गैस और एयर को मिक्स करना है और फिर उसको बर्न करना है। अब हम गैस और एयर की सप्लाई को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज कर सकते हैं। हाई प्रेशर एयर को यूज कर सकते हैं, हाई प्रेशर गैस को यूज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटी, उनकी लॉन्ग फ्लेम को उनको कंट्रोल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू शेप हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है बर्नर का, कि गैस और एयर मिक्स होगी और हम उसको बर्न करेंगे इग्नाइट करके। तो इस तरह से गैस बर्नर काम करते हैं। तो धन्य वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।